अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, वेलकम अगेन इन अल-यूसुफ एकेडमी। हम चैप्टर नंबर जो है 4, एक्सरसाइज नंबर 4.8 कर रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। क्वेश्चन नंबर 2 के हमने 3 पार्ट्स कर लिए थे, अब हमारे 3 पार्ट्स रह गए। तो देखें, मैंने सवाल उतार लिए और फार्मूला भी उतार लिया, इसी फार्मूले से सॉल्व होगा। पिछले सवाल जो है इससे थोड़े मुख्तलिफ थे, इस सवाल में जो है थोड़ा सा मुख्तलिफ है। पहले मतलब है कि हमने फाइंड कुछ और किया था, अब हमें फाइंड क्या करना है, पी क्यू और आर क्यू प्लस आर पी फाइंड करना है। तो हमें जो गिवन है, पी प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू अंडर रूट 17, ये 17 है, एंड पी स्क्वायर और प्लस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और इज इक्वल टू 9। तो हमें ये गिवन है, ठीक है, ये दो गिवन है। और अब देखें, ये बेसिकली हमें गिवन है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 17 अंडर रूट 17 स्क्वायर हो जाएगा, और ये भी गिवन है, ये देखें, ये गिवन है, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ आ जाएगा 9, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पे देखें, इन ये जो बेसिकली ए बी और बी सी और सी ए है, तो यहाँ पर मतलब है कि आपका पी क्यू वगैरह ये वाली वैल्यू होगी, ठीक है व्यूअर्स। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बेसिकली आप एक काम करें, टू, ठीक है, और यहाँ पे बीच में प्लस भी डाल दें, ये प्लस है, ठीक है, टी टू पी क्यू, और उसके बाद ये आएगा आपके पास प्लस टू क्यू आर प्लस टू और आर पी, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोबारा व्यूअर्स देखें, ये इसको काट देंगे, स्क्वायर ले लेंगे, फिर यहाँ पे आपके पास स्क्वायर काट देंगे अंडर रूट से, तो आपके पास 17 बचा, और यहाँ पे 9 वैसे ही रहा, और 2 इन सब का कॉमन ले लेंगे, ठीक है। इन सब का जब कॉमन लिया 2 हमने, तो यहाँ पर हमारे पास अंदर जो बचा पी क्यू और प्लस क्यू आर प्लस आर पी, तो हमारे पास ये बचा। अब हम क्या करेंगे व्यूअर्स, ये जो है 9 हम वहाँ ले जाएंगे, यहाँ प्लस में, वहाँ जाके माइनस में हो जाएगा 17 से, तरीक़ेकार वही रहेगा, ठीक है, और बाकी जो वैल्यू है वैसी रहेगी, ठीक है, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी, ठीक है। अब इवर 17 में से 9 माइनस हुआ, तो हमारे पास बचा 8, ठीक है। अब ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर ये जो है ये वैल्यू वैसे ही आएगी, क्योंकि ये तो हमें पता करनी है ना, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी, तो ये हमें पता करनी थी, 2 अंदर 2, 2 फोर द, और हाँ 2 फोर द 8, तो ये हमारा 4 इसका आंसर है, पी क्यू और क्यू आर प्लस आर पी जो हमारा आया है वो आया है 4, तो ये आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उतारते हैं व्यूवर्स, ये देखिए मैंने क्वेश्चन और फार्मूला दोनों उतार लिए। अच्छा व्यूवर्स, मैं एक एक स्टेप इसमें नहीं लिख रहा, वो आप लिख सकते हैं, एक स्टेप ये कि मतलब ये वाला सवाल दोबारा मतलब उतारना होता है फार्मूले के बाद, मैं नहीं उतार रहा, तो आप उतार लीजिएगा व्यूवर्स। अब क्या करेंगे, देखें हम यहाँ पर क्या फाइंड करना है, एक्स वाई, ये ए, ये बी, ये सी, इस तरह होता है, ठीक है, ए बी सी। तो बेसिकली हमें क्या फाइंड करना है, अब यहाँ पर हमें फाइंड करना है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड वाई, ऊपर वाले की तरह ही है। हमें यहाँ पर मतलब जो है ना 9 गिवन है, ठीक है, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, 9 स्क्वायर, और ये भी गिवन है, ये देखें, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर इसको ले लें, ठीक है, 81। अब उसके बाद यहाँ पर देखें कि हमारे पास क्या होगा, प्लस ये इसके साथ 2xy प्लस 2yz प्लस ये जो 2 आ रहा है ये फार्मूले का है बेसिकली, और zx, ठीक है। अब व्यूअर्स क्या करेंगे, इसका स्क्वायर लेंगे, 81 आ जाएगा, और यहाँ पे ऑलरेडी 81 है हमारे पास, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनका 2 कॉमन ले लेंगे, और ये सब ब्रैकेट में हो जाएगा, व्यूअर्स। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये देखें 81 वहाँ चला जाएगा, यहाँ पे प्लस में, वहाँ जाके माइनस में हो जाएगा,
व्यूअर्स ये यहाँ पे आ गया, अब ये इससे माइनस हो जाएगा और यहाँ पे पहले इसको कर देते हैं टू, और ये जो वैल्यू है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स ये वैसे ही रहेगा। अब हमारा क्या होगा, ये जब 81 81 से माइनस हुआ तो ज़ीरो बचा, और ये टू जो है यहाँ पे जो बेसिकली मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, ठीक है व्यूअर्स, और ये जो है वैसे ही रहेगा एक्स वाई प्लस वाई जेड और जेड एक्स, बेसिकली यही फाइंड करना था हमें। तो ये देखें ज़ीरो से जब टू डिवाइड होगा तो आंसर ज़ीरो ही आता है, ठीक है। तो ये आ गया आपका एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स का आंसर, ठीक है व्यूअर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उतारते हैं हम, व्यूअर्स देखें क्वेश्चंस भी उतार लिया और ये फार्मूला भी मैंने उतार लिया। अब यहाँ पे हमें जो फाइंड करना है पिछले क्वेश्चंस की तरह ही है, यहाँ पे फार्मूले का ही समझ ले, ए बी और बी सी सी ए फाइंड करना है, और ए प्लस बी प्लस सी जो है हमारे पास 13 गिवन है, ठीक है। यहाँ पे रखा हमने 13, ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे, ये देखें ये भी गिवन है हमारे पास 69, ठीक है, और ये जो है बेसिकली 2 ए बी प्लस 2 बी सी प्लस 2 सी ए, ठीक है व्यूअर्स। अब इसका जो स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 169, और उसके बाद ये जो है 69 वैसे ही रहेगा, और ये 2 कॉमन ले लेंगे, 2 जब कॉमन लिया हमने यहाँ पर, और ये अंदर चला जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। अब ये यहाँ से यहाँ पे माइनस हो जाएगा आके 169 माइनस 69, ठीक है व्यूअर्स, और ये जो है ये यहीं रहेगा अभी बी सी प्लस सी ए व्यूअर्स। अब ये जब माइनस हुआ तो 100 बचा, 169 में से 69 गया तो 100 बचा, और 2 यहाँ से यहाँ आ जाएगा डिवाइड होगा तो 2 1 2 और 2 5 10 0 वैसे ही आ गया, तो हमारा जो आंसर है वो है 50, ठीक है व्यूअर्स, ये हमारा आंसर है इसका। बुक में भी देख लीजिएगा यही आंसर है, ठीक है व्यूअर्स। अल्लाह हाफिज़, सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा, ऑनलाइन देखिएगा। अस्सलामुअलैकुम।